हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रेड में। आज हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉप शेयर के बारे में, जो आज करीब 10-11% बढ़ा। तो आप चार्ट पे देख सकते हैं, आज ये करीब ओपन हुआ 190 के आसपास और इसने हाई बनाया करीब 218 का, 218 का हाईएस्ट बनाया उसने और आज ये ओपन हुआ करीब 190 के आसपास और अभी ये क्लोजिंग हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 208 के पास। काफी बड़ा जंप है इसमें, करीब 10 से 11% का जंप हुआ है आज। काफी बड़ी न्यूज है, न्यूज को भी जानेंगे और इसके थोड़ा फंडामेंटल भी देखेंगे और इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए वो भी देखेंगे और थोड़ा टारगेट भी देखेंगे आज कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो आइए धीरे धीरे करके जानते हैं। और इससे पहले भी आप देख सकते हैं, ये जो शेयर है ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कॉन्सोलिडेट हो रहा था इस रेंज में। तो ये जो रेंज है आप देख सकते हैं, ये जो रेंज है 182 से 176 का रेंज है, उसके नीचे का रेंज है। ये रेंज पे ये कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, तो कंसोलिडेशन के बाद ये बढ़ना चालू हुआ और काफी अच्छे तरीके से ये भाग आया पिछले 3-4 दिनों में। इसके पीछे का न्यूज जानेंगे और देखेंगे इसके डिटेल्स। तो इसका डिटेल देखेंगे, सबसे पहले न्यूज देखते हैं कि ये न्यूज क्या है। तो सबसे बड़ा न्यूज ये है कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास ये शेयर है, डेल्टा कॉर्प राकेश झुनझुनवाला जी के पास है और मेरे ख्याल से राकेश दमानी जी के पास भी। तो ये काफी बड़ा चीज है कि ये बड़े इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला और दमानी जी, ये दोनों काफी बड़े इन्वेस्टर हैं और इनके पास काफी पैसा है, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ। तो अभी जो सेबी है या एनएससी है उसने फ्यूचर ऑप्शंस में इसको इंक्लूड कर लिया है। तो डेल्टा कॉर्प को आप देख सकते हैं ये फोर्थ नंबर पे लिया है, ये फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए डाल दिया इनका इस शेयर को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये शेयर जनरली फ्यूचर ऑप्शन में तब डाला जाता है जब वो कंपनी ठीक ठाक करे या फिर उसको एक हेज पोजिशन बनाया जाता है। फ्यूचर ऑप्शन नॉर्मली हेजिंग पर्पज के लिए यूज होता है, तो हेजिंग के लिए यदि ये यूज होता है तो ये बड़े इन्वेस्टर्स उसको हेज करके फिर इसको प्रॉफिट या लॉस करते हैं, तो चांसेस उनके प्रॉफिट के बढ़ जाते हैं क्योंकि उसका हेज पोजीशन बना लेते हैं वो लोग। तो डेल्टा कॉर्प आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि ये बढ़ सकता है क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और राकेश झुनझुनवाला का देख सकते हैं, इसमें करीब 4.3% का स्टेक है, करीब 4.3% का स्टेक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका 4.3% का स्टेक दिख रहा है उनके नाम पे। उनकी वाइफ के नाम पे 3.19% का स्टेक है, तो काफी बड़ा स्टेक है डेल्टा कॉर्प में इनका। और ये यही सबसे मेन न्यूज था आपको मैंने जो बताया, जिसकी वजह से ये शेयर ऊपर भाग गया है। और भी आप देख सकते हैं, और भी जो है शेयर जो है ये फ्यूचर ऑप्शंस में आए हैं, जिसमें से अबॉट इंडिया है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, डालमिया भारत है, इंडिया सीमेंट है, जेके सीमेंट है, ओबेरॉय रियल्टी है, परसिस्टम सिस्टम है, 8 और फ्यूचर ऑप्शंस में ऐड हुए। ये मैंने आपको एडिशनल न्यूज बता दिया, बट डेल्टा कॉर्प के लिए मेन न्यूज यही था कि फ्यूचर ऑप्शन में ऐड हुआ है। तो ये मेन न्यूज के पास थोड़ा इसके डिटेल के बारे में देखते हैं, फंडामेंटल के बारे में। फंडामेंटल में देखेंगे रेवेन्यू के टर्म्स में, रेवेन्यू देखेंगे 2021 में 418 करोड़, 418 करोड़ का होता है रेवेन्यू इसका सेल्स करता है। पिछले ईयर में देखेंगे 773 करोड़ का सेल करता था। नेट प्रॉफिट देखते हैं, अभी जो है -26 करोड़ का है और पिछले ईयर जो 184 करोड़ का सेल करता है, प्रॉफिट करता था। तो अभी चांसेस है क्योंकि अभी धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज हो रहा है, तो ये अर्निंग पर शेयर देखते हैं 2021 से -0.90, उससे पहले ईयर में 6.85 इसके अर्निंग पर शेयर। अब इसके पास देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास देखेंगे जून 2021 में 33.28, उससे पहले भी 33.28, ये लगातार रखना ही है प्रमोटर के पास। लेकिन एक शेयर में एक प्रॉब्लम है कि इसमें शेयर प्लेजिंग है 7.49%, आप देख सकते हैं लगातार ये प्रमोटर के शेयर प्लेज है, बट ये प्लेजिंग धीरे धीरे करके कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। बट प्लेज होना कोई भी शेयर के लिए अच्छी बात नहीं है, धीरे धीरे कम हो रहा है ये अच्छी बात है। एफआई के पास देखेंगे जून 2021 से 7.78, उससे पहले देखेंगे तो 8.14, तो
थोड़ा करके घट रहा है पढ़ाई का। डीआई का देखते हैं, डीआई का जून 2021 में 6.79, उससे पहले क्वार्टर में देखेंगे 7.37, तो ये भी डीआई ने भी घटा है। डीआई पब्लिक का देखते हैं, पब्लिक का जून 2021 में 52.14 और पिछले क्वार्टर में 51.2, थोड़ा सा बढ़ा है पब्लिक का। इस तरीके से आपने देखा अलग अलग शेयर्स पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर एफआईडीआई और पब्लिक के पास। तो ये थे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें इस शेयर में, तो ये शेयर जो है अभी जब से ये फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड होना चालू हुआ है, तो ये शेयर एक इसका स्टॉप लॉस लगा करके आप इसे चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, कुछ अमाउंट ले, ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना ले, थोड़ा बहुत अमाउंट ले करके इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक लेवल है मुझे जो लगता है 184, तो चाहे तो आप 170 का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप इसे खरीद सकते हैं। और यहाँ पर टारगेट होगा, टारगेट करीब 350 के आसपास होना चाहिए, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी सोच है, क्योंकि इसका हाईएस्ट असर 350 के आसपास, 350 to 370 का रेंज है, ये रेंज के आसपास ये जा सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग लगभग 70 to 80% प्रॉफिट दे सकता है। कितना दे सकता है? 70 to 80% प्रॉफिट दे सकता है ये शेयर। तो आइए देखते हैं इस शेयर के बारे में। हमने तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मान लीजिए छोटा अमाउंट, तो प्रॉफिट भी सही टाइम पे लेके निकलना है, जब ये रेंज पे आ जाए तो प्रॉफिट लेके निकल जाना है, क्योंकि फंडामेंटली इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा सोच था। आप अपना खुद का राय बनाएं, अपना खुद सोच बनाएं, खुद का आरएनडी करें, उसके बाद ही इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो आप कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर फ्यूचर ऑप्शंस और स्विंग ट्रेडिंग के कॉल देता हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आप चाहे तो उसे ज्वाइन करके ट्राई कर सकते हैं, केवल तो एजुकेशन पर्पज के लिए। इस तरीके से ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, और यदि आप डेल्टा कॉर्प शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये शेयर आपके लिए प्रॉफिटेबल है। मिलते हैं।